चाहे और दूर बहुत है तारे। फिरते हुए सैकड़ों सूरज ब्रह्मांड के ये बंजारे। सदियों के भंवर बहते हैं, अनगिनत है समय के धारे। और नीला सा एक मोती कहते हैं जमी हम सारे। छोटी सी बूंद धरती सागर से कहीं गहरी है। आकाश की गंगा में ये बजरे की तरह बहती है। आकाश बहुत ऊंचा है सुनिए, स्वाति कहाँ है? इतनी रात गए अभी तक? कहीं अड़ोस पड़ोस में खेल रही होगी। वहाँ तो मैं देख चुकी हूँ, चांदनी और शिल्पी के सिवा तो वो कहीं और जाती नहीं। चलो ढूंढते उसे। चलिए। स्वाति, स्वाति बेटे। गौरव बेटा, तुमने स्वाति को देखा? नहीं अंकल। तुमने तो नहीं देखा? नहीं आंटी। फिर कहाँ गई? खन्ना आंटी क्या तो नहीं खेल रही? जरा देख कर आना बेटे। अच्छा आंटी, अब क्या स्वाति आई है? नहीं तो क्यों? पता नहीं कहाँ गई। स्वाति बेटे, स्वाति, स्वाति मिली? नहीं आंटी, आंटी स्वाति तो गुड़िया के घर भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। नहीं है? नहीं। तुम यहाँ हो और हम तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं? पापा, मैं तारे देख रही हूँ। तारे? तारे तुम्हें इतने अच्छे लगते हैं? तुम इतने रात गए अकेले छत? हाँ मम्मी, मुझे तारे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा मुनी, स्वाति तो मिल गई, अब मैं चलूँ? हाँ स्वाति, जरा मुझे भी अपना टेलीस्कोप दो, देखूं इसमें से तारे कैसे दिखते हैं। दे बेटे। लो देखो ना। आहा, कितना सुंदर, कितना चमकीला है ये तारा। कौन सा? वो। अरे भैया, वह तारा नहीं, वह ग्रह है, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह? हाँ। ग्रह और तारे में क्या फर्क होता है स्वाति? मुझे तो, मैं बताती हूँ। हाँ ये बताएगी। हाँ कितना सुंदर तारा है अंकल, वो तारा है ना? देखे कौन सा बेटे? वो वाला।
अरे शाबाश मुनि बेटा, तूने बिल्कुल ठीक पहचाना, वो वाकई तारा है। That's the star. इसका मतलब है तुझे तारे और ग्रह का फर्क मालूम है। अच्छा बेटे, जरा इसे भी बता, ग्रह और तारे में क्या फर्क है? जी अंकल। हाँ बताओ ना बेटा, तुमने तारे को कैसे पहचाना? अंकल मैंने तो अंधेरे में तीर मारा था, अब निशाने पे लग गया तो मैं क्या करूं? नहीं बेटे, देखो साइंस में फेंका फेंकी नहीं चलती। सुनो मैं बताता हूँ गौरव बेटा, जरा फिर से देखो। हाँ देखो फिर से। नहीं बेटे उधर नहीं, जरा इधर। यस, वो जो तेज चमकता हुआ दिखाई दे रहा है ना, वो तारा है। तारे में अपनी एनर्जी यानी ऊर्जा होती है, जिससे उसमें अपनी रोशनी होती है और वो अपनी रोशनी से चमकता है। अच्छा तो ये बात है। अब आया ना समझ में? मोनी अब तुम देखो बेटा। नहीं नहीं बेटा, लिटिल हियर लिटिल, थोड़ा आ नहीं आ, 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 आ। वो जो गुलाबी लाल सा दिखाई दे रहा है ना, लाल सा, हाँ वो ग्रह है। ग्रह में अपनी कोई ऊर्जा नहीं होती, इसलिए उसमें अपनी रोशनी भी नहीं होती। वो तारे की रोशनी से चमकता है। जैसे कि ये मंगल ग्रह है, असल में सूरज की रोशनी से चमक रहा है, उस पर सूरज की रोशनी पड़ रही है। अच्छा तो ये फर्क है, ग्रह तारे की रोशनी से चमकता है और तारे में अपनी रोशनी होती है, इसीलिए तो उसे टिंकल टिंकल लिटिल स्टार कहते हैं। अच्छा बेटा, इसके अलावा एक और फर्क है ग्रह और तारे में। वो क्या पापा? वो मैं तुम्हें कल बताऊंगा। कल क्यों पापा, आप तो कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो आप। महाराज ये हूँ कब तक करते रहेंगे, कुछ आगे भी तो बताइए ना। मनमोहन जी तुम्हारे ग्रह बहुत खराब चल रहे हैं। सोम के घर में मंगल बैठा है, मंगल के घर में राहु, राहु के घर में शनि। सोम के घर में मंगल, मंगल के घर में राहु, राहु के घर में शनि। महाराज ये सब क्या चक्कर है? ये सब ग्रहों के चक्कर हैं बच्चा। महाराज इन ग्रहों के चक्कर में मैं तो हो जाऊंगा घन चक्कर। महाराज एक बात बताइए, ये सारे ग्रह एक दूसरे के घरों में क्यों घुसे हैं? अपने अपने घरों में क्यों नहीं रहते? महाराज कुछ तो बताइए। चलो ना दीदी, अंकल इंतजार कर रहे होंगे, आज वो ग्रह और तारे का दूसरा फर्क बताने वाले हैं। चलो ना दीदी चलो। अरे ठहरो ना, ये आदमी भी दो ग्रहों की बात कर रहा है, जरा इसकी भी सुन ले। शनि महाराज, मंगल राहु शनि, इन ग्रहों से मुझे बचाइए, इनसे छुटकारा पाने का कोई उपाय तो बताइए। उपाय? है। उपाय है तो महाराज शीघ्रता कीजिए ना, इन ग्रहों से मुझे जल्दी से छुटकारा दिलवा दीजिए। तो जेब में हाथ डालकर बतलाओ कितना धन है। धन? अरे मेरी जेब में नहीं, अपनी जेब में। अपनी जेब में? नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल ग्रहों में ऐसी कोई ताकत नहीं होती जिसका असर आदमी पर या उसके भाग्य पर पड़ता हो। आदमी का भाग्य तो उसके अपने कर्मों से ही बनता है बिगड़ता है, समझे? पापा ग्रह और तारे का दूसरा फर्क क्या है वह बताओ ना। बताता हूँ,
देखो ग्रह को अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। राइट, ग्रह को अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। ये प्लैनेट शब्द ग्रीक भाषा से आया और ग्रीक भाषा में प्लैनेट का अर्थ है वंडरर, यानी घुमक्कर जैसे स्वाति। तो देखो ग्रह और तारे में दूसरा फर्क ये है कि तारा आकाश में अपनी जगह स्थिर रहता है यानी फिक्स रहता है, और ग्रह अपने तारे के चारों तरफ घूमता रहता है। देखो मैं बताता हूँ, देखो ये सूरज दरअसल हमारी आकाशगंगा का एक तारा है। तारा अपनी जगह पर कायम है, वो अपनी ऊर्जा और रोशनी से चमकता है। उसके चारों तरफ घूमते हुए पिंड सूरज तारे के ग्रह हैं। जैसे कि ये बुध यानी मर्क्यूरी, मंगल यानी मार्स, पृथ्वी और शुक्र यानी वीनस। इसके अलावा गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो भी सूरज के ग्रह हैं। इस तरह सौर मंडल में 9 ग्रह हैं। अपने तारे के चारों ओर घूमने के साथ साथ ग्रह अपनी धुरी पर भी घूमते हैं। तारे के चारों ओर घूमने के कारण आकाश में उनके दिखाई देने का समय और स्थान भी बदलता रहता है। जैसे कि शुक्र ग्रह सूरज तारे की परिक्रमा करते हुए जब सूरज के पीछे होता है तब वो हमें सूरज डूबने के बाद दिखाई देता है। और जब सूरज के आगे होता है तब सूरज निकलने से पहले तड़के सवेरे दिखाई देता है। तो देखा बच्चों, ये है ग्रह और तारे का दूसरा फर्क। ओके, ग्रह तारों से इन्हें बहलाएंगे या नाश्ता पानी को भी पूछेंगे? आई एम सो सॉरी। अच्छा बेटा, अब ग्रह पूजा के बाद थोड़ी पेट पूजा भी हो जाए। आओ। तुमने बड़ा अच्छा किया। अब मैं तुम्हें एक मजेदार बात बताता हूँ। पृथ्वी सूरज तारे का एक ग्रह है, इसलिए वो अपनी धुरी पर घूमते हुए सूरज के चारों ओर घूमती है। यह कौन सी नई बात है पापा, यह तो हमें मालूम है। यही तो बात है बच्चों, जो बात आज बच्चे बच्चे को मालूम है किसी जमाने में बड़े बड़े विद्वानों को मालूम नहीं थी। पृथ्वी और सूरज के बारे में उनके अजीब अजीब विचार थे। अंकल, मेरी दादी कहती है कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। इसी तरह कोई 2500 साल पहले यूनान में एक बहुत बड़ा गणितज्ञ और दार्शनिक हुआ था, पाइथागोरस। उसका कहना था कि पृथ्वी एक अग्निकुंड यानी आग के गोले के चारों ओर घूमती है। अंकल, वो आग का गोला दिखाई क्यों नहीं देता? दिखाई कैसे देगा, वो तो कभी था ही नहीं और न है। उसके बाद ईसा पूर्व 4वीं सदी में यूनान में ही एक और विद्वान हुआ, अमर दार्शनिक प्लेटो का शिष्य और सम्राट सिकंदर का गुरु, महान दार्शनिक। अच्छा बताओ तो बच्चों, उनका नाम क्या था? मैं बताऊं अंकल? हाँ बेटा जरूर बताओ, लेकिन अंधेरे में तीर मत चलाना। नहीं अंकल, ये तो मेरी किताब में लिखा है, सिकंदर का गुरु अरस्तु था। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक कहा तुमने, अरस्तु महान। यूनान के विद्वानों, मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। मेरे गुरु अरस्तु महान की विचारधारा है कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, ब्रह्मांड में अपनी जगह कायम है, सारा ब्रह्मांड पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। यही वजह है कि चांद, सूरज और तारे पृथ्वी के चारों ओर गोल दायरे में घूमते हुए पूर्व से निकलकर पश्चिम में डूबते और फिर
पूर्व में उदय होते हुए दिखाई देते हैं। वाह, विद्वान अरस्तु ने ब्रह्मांड का रहस्य खोल दिया। वाह सचमुच, और ब्रह्मांड पृथ्वी और नक्षत्रों की कितनी सही व्याख्या की है। बहुत खूब, बहुत खूब, और क्या सही प्रमाण दिया है। विद्वान अरस्तु की भूकेंद्रीय विचारधारा महान है। महान है, महान है। ये गलत है, ब्रह्मांड पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता। ग्रह और तारे और सूरज पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाते। महाशय आप कौन हैं? मेरा नाम अरिस्टार्कस है। अरिस्टार्कस महोदय, अरस्तु की विचारधारा अगर गलत है तो सही क्या है, आप बताएंगे? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूरज के चारों ओर घूमती है। तो आपको क्या पृथ्वी घूमती हुई दिखाई देती है? यूनान के विद्वानों, हंसिए मत। जो दिखाई देता है केवल वही सच नहीं होता, जो नहीं दिखाई देता है वो भी सच होता है। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है, यही सच है। अरिस्टार्कस महोदय, आपके पास क्या प्रमाण है कि पृथ्वी घूम रही है? प्रमाण? हाँ हाँ बोलिए, बताइए। हाँ प्रमाण भी है, मगर मगर क्या बोलिए, क्या प्रमाण है बताइए ना। हाँ हाँ बोलिए, बताइए। मेरे पास अपने प्रमाण को साबित करने का कोई साधन नहीं है। प्रमाण है लेकिन साबित करने का कोई साधन नहीं है। प्रमाण है लेकिन साधन नहीं है। प्रमाण है लेकिन सच नहीं है। मालूम होता है कोई पागल है। मैं पागल नहीं हूँ, मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। मेरी प्रमाण है लेकिन साबित करने का कोई साधन नहीं है। मालूम होता है कोई पागल है। अरिस्टार्कस की बात सच थी, पर उस समय के आकाश के निरीक्षण के तरीके उसे साबित नहीं कर सके, लिहाजा अरस्तु की भूकेंद्रीय विचारधारा यानी सारा ब्रह्मांड अचल पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, यही विचारधारा सच और सही मानी गई और यूनान से अरब तक फैल गई। इसी तरह हमारे देश में भी 5वीं सदी में एक विद्वान और दार्शनिक हुए थे जिनका नाम था आर्यभट्ट। उन्होंने कहा था, अनुलोम गतिर्नास्थ पश्यत्यचलम विलोमगम यद्वत् अचलानि भानि तद्वत् संपश्चिम गानिलं काया। पापा इसका मतलब क्या है? वो देखो बेटा, उस किनारे की तरफ क्या दिखाई देता है? झाड़, पेड़, ट्रीज, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं लगता कि पेड़ पीछे की तरफ जा रहे हैं? हाँ अंकल, पेड़ पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पापा ट्रेन की खिड़की से भी ऐसे ही नजर आता है ना, जब ट्रेन आगे जाती है तो पेड़ पीछे भागते हुए दिखाई देते हैं। हाँ तो आर्यभट्ट के श्लोक का अर्थ भी यही है, जिस तरह नाव से जाने वाले को नदी किनारे के पेड़ वगैरह उल्टी दिशा को जाते हुए दिखाई देते हैं, उसी तरह पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने के कारण सूरज चांद और तारे पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए दिखाई देते हैं। मगर लोगों को आर्यभट्ट की बातों पर विश्वास नहीं आया, पृथ्वी भला कैसे घूम सकती है। कुछ लोगों ने पूछा, पृथ्वी घूमती है
तो सुबह अपने घोंसलों से निकलने वाले पक्षी शाम को घोंसलों में कैसे लौटते हैं? कुछ बोले, आर्यभट्ट के श्लोक का अर्थ वो नहीं जो समझ में आता है, बल्कि कुछ और ही है जो समझ में नहीं आता। और कुछ लोगों ने कहा कि आर्यभट्टी नामक पुस्तक में लिखा ये श्लोक आर्यभट्ट का नहीं है, बल्कि किसी और ने बाद में जोड़ दिया है। जो भी हो, इस तरह जो सच था वो झूठ माना गया और झूठ सच बनकर सदियों तक चलता रहा। आओ बच्चों, चलें। हाँ, संभल के पैर रखो, संभल के। फिर क्या हुआ अंकल? बेटा, फिर जीत तो सच की ही होती है ना, वही हुआ। वो कैसे अंकल? बहुत लंबी कहानी है बेटा, वो फिर कभी सुनाएंगे। अरे वो स्वाति कहाँ गई?